हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन है नॉर्टन थ्योरम पे बेस्ड। यहाँ हम देख रहे हैं कि तीन सोर्सेस कनेक्टेड हैं, ठीक। और यहाँ हमको पूछा है यूजिंग नॉर्टन थ्योरम करंट थ्रू दिस लोड रेजिस्टेंस आई, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो जैसे थेवेनिन थ्योरम में हम क्या करते थे, सबसे पहले स्टेप हमारी होती थी रिमूव द लोड। यहाँ पर भी है, यहाँ रिमूव द लोड एंड शॉर्ट सर्किट दैट ब्रांच, तो हम इसको शॉर्ट सर्किट करेंगे। तो नेक्स्ट सर्किट हमारा बन के आएगा प्लस माइनस इस ब्रांच को हम कर देंगे शॉर्ट सर्किट। और ये एज इट इज हमारा 6 ओम्स, ये है 2 ओम्स, यहाँ 15 एम्पियर्स। तो इस ब्रांच को हमने कर दिया शॉर्ट सर्किट एंड यहां से फ्लो होने वाला करंट जो कि क्या रहेगा हमारा नॉर्टन्स करंट ISC। जिस भी ब्रांच के अक्रॉस आपको वोल्टेज या करंट फाइंड आउट करना होता है वो हमारा होता है लोड। जैसा कि हमको 3 ओम्स के अक्रॉस करना है, 3 ओम्स के थ्रू करंट फाइंड आउट करना है, तो इसलिए हमने इसको लोड अज्यूम कर दिया और इसको रिमूव कर दिया एंड यहाँ शॉर्ट सर्किट करके नॉर्टन्स करंट या शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ ISC अगर हमको फाइंड आउट करना है तो इस नोट पे मैं KCL लिख सकती हूँ। ये KCL क्या होगी, ISC विल बी इक्वल टू आई 2 ओम्स, 2 ओम्स से फ्लो होने वाला करंट प्लस 15 एम्पियर्स प्लस सिक्स ओम से फ्लो होने वाला करंट। ये टोटल करंट जो है तीनों करंट्स मिलके हमारे ISC के बराबर होंगे, ठीक है। अभी हमें ये दोनों करंट जो है वो अननोन है। हम अज्यूम करते हैं यहाँ का वोल्टेज V है, तो इस पे हम KCL लगा सकते हैं। KCL लगाएंगे इस नोड के लिए तो क्या आएगी, V -20 डिवाइडेड बाय 1। आउटगोइंग करंट अज्यूम कर रही हूं मैं यहाँ पे, प्लस 15 प्लस, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, दैट मींस ये 0 वोल्ट पोटेंशियल पे है, 0 पोटेंशियल पे है ये। तो मैं यहां लिख सकती हूँ V -0 डिवाइडेड बाय 2 और यहां से एक करंट जा रहा है प्लस 15 विल बी इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम, V -20 प्लस 30 प्लस V/2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारा V की वैल्यू निकल के आ जाएगी, वो क्या है कि -20/3 वोल्ट्स। तो V निकल के आ चुका है। अब हम ये दोनों करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस क्या होगा, 20 -0 डिवाइडेड बाय 6 ओम्स, इट इज इक्वल टू I थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस 20/6 एम्पियर्स। सिमिलरली हमें एक करंट ये भी चाहिए क्योंकि ISC क्या है, इन तीनों का सम। तो I 2 ओम्स के क्रॉस 2 ओम्स के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है, I 2 ओम्स इज इक्वल टू V -0 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू -20/3 into 2 which is equal to -20/6 amperes। ये है हमारा I through 2 ohm resistor। अब हमें पता है ISC क्या है, ISC is equal to 15 plus 2 ohm से कितना फ्लो हो रहा है हमारा करंट, -20/6 प्लस 20/6 विच विल बी इक्वल टू 15 एम्पियर।
आफ्टर फाइंडिंग आउट आईएससी जो कि हमारा 15 एम्पियर आया है, अब हमें निकालना है आरटीएच या थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या सिंपली रेजिस्टेंस, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जितने भी सोर्सेस सर्किट में कनेक्टेड होते हैं उनको हम उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं या उनको हम इनएक्टिव करते हैं। तो यहाँ पर जितने वोल्टेज सोर्स है उसको हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। जितने करंट सोर्सेस हैं उनको हम क्या करेंगे, ओपन सर्किट कर देंगे। तो यहाँ एक वोल्टेज सोर्स है, सिमिलरली यहाँ एक करंट सोर्स है, इसे भी हमने ओपन सर्किट कर दिया है, और एक रेजिस्टेंस हमारा ये है 6 ओम्स का, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम नहीं है एक्चुअली, ये लोड रेजिस्टेंस है जो कि रिमूव्ड है, ठीक। और यहां से देखते हुए हमें आरटीएच फाइंड आउट करना है, लोड को तो सबसे पहले हमें रिमूव करना ही है। तो हमारे पास सर्किट में क्या क्या रह गया है, ये 2 ओम, ये 1 ओम और ये 6 ओम जो कि ये ओपन है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं आरटीएच इज इक्वल टू 6 ओम पैरेलल विद 1 प्लस 2 ओम व्हिच इज इक्वल टू 2 ओम। तो अब हमारे पास में नॉर्टन्स करंट भी मिल चुका है 15 एम्पियर्स और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी आ चुका है 2 ओम्स। तो अब इसके नेक्स्ट स्टेप होती है हमारी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना। इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा नॉर्टन्स के केस में, आईएससी या आईएन विद अ पैरेलल रेजिस्टेंस जिसका की वैल्यू कितना है, आरटीएच है इज इक्वल टू 2 ओम्स, ये है 15 एम्पियर्स। और अब हमसे सर्किट में पूछा क्या था, पूछा था कि ये लोड के थ्रू फ्लो होने वाला करंट बताना है, ये आई व्हिच इज इक्वल टू 3 ओम्स। बता सकते हैं सिंपली हम करंट डिवीजन लगा देंगे। तो करंट डिवीजन हम लगाते हैं जब, तो क्या करते हैं, अपोजिट ब्रांच को कंसीडर करते हैं। तो यहां 15 मल्टीप्लाइड बाय ये रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय दोनों रेजिस्टेंसेस का सम जो कि 3 प्लस 2, 30 डिवाइडेड बाय 5 इट इज इक्वल टू 6 एम्पियर्स। फाइनल आंसर हमारा हो गया है 6 एम्पियर्स। कुछ नहीं था सर्किट में, सबसे पहले हमने क्या किया, जब भी नॉर्टन्स थ्योरम सॉल्व करते हैं हम सबसे पहले हम नॉर्टन्स करंट फाइंड आउट करते हैं। नॉर्टन्स करंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो लोड ब्रांचेस को रिमूव करके उसको हम कर देते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट करने के बाद में आप केवीएल, केसीएल, नोडल, मैश, कुछ भी मेथड, कुछ भी अप्रोच लगा के शॉर्ट सर्किट करंट को फाइंड आउट करेंगे। जैसे ही शॉर्ट सर्किट करंट आ जाता है हमें लोड तो हमारा रिमूव रहता है, इस ब्रांच को ओपन कर देते हैं और ओपन सर्किट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम जितने भी सोर्सेज सर्किट में इंडिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं उनको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं। यदि वोल्टेज सोर्स है तो उसे हम शॉर्ट सर्किट करते हैं, यदि करंट सोर्स है सर्किट में तो उसे हम ओपन सर्किट करते हैं। तो हमारा नया सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं और फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट कर लेते हैं। जब दोनों चीजें हमारे पास आ जाती है तो हम इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने के बाद में जो हमसे पूछा गया है, जहां से वोल्टेज या जो भी रिस्पांस हमसे पूछा गया है, वोल्टेज करंट, वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। वोल्टेज डिवीजन, करंट डिवीजन या जो भी मेथड आपको ठीक लगती है उससे।